देखे चाचा कहे बेटा मेरे पास कैसे आया हूँ कहे कि हमने बंगाल शहर पे चढ़ाई किया है कहे और बंगाल शहर की लूट कराना है टोला संतोषा का लेना है और तुमको हमारे साथ में चलना है चाचा सुने मेरी बात को बेटा अरे कौन बकाई अरे देखे चाचा हमें कोई ना तो बहकाया है क्यों नहीं ना ही कोई किसी ने बकाया है नहीं और तुम्हें हमारे साथ में चलना है या नहीं चलना है ये बताओ मुझे बोलो बेटा आप लोगों के साथ में चलना तो पड़ेगा क्यों नहीं जाएंगे अरे जहां पसीना आपके साथ में मैं तो तैयार हूँ। मत लगाओ और जल्दी चलिए। चलो तैयार हो जाओ। पिताजी, देखो बेटा इंदल, देखो आप दशहर बंगाल के धुरे पे आज चलते चलते और यहीं पे तेरे तंबू लगा दो। और सुने मेरे बेटा बोलो पिताजी अरे भारी प्यास लगी आपको प्यास लगी ठीक है पिताजी अब तंबू में चलो अरे अब जाई भाई पानी लई या विजय पैसा ला जाए पिताजी आप तंबू में बैठो मैं पानी की तलाश में इस जंगल में बेटा मैं अपने तंबू में आराम करता हूँ और तुम पानी लेकर के बहुत जल्दी वापस हो ठीक है पिताजी मैं जा रहा हूँ चलो सिपाही चलो मेरे साथ पानी के लिए चला जाए आज मेरे पिताजी प्यासे हैं चलो बताए भैया जब ते ये हम मोहब्बत नौकरी करे लगे तब ते हम ससुराल के नहीं पहुंचे खाली भी है को नहीं हम ससुराल के नहीं गए ना एक दिन यहाँ सब अपने अपने ससुराल के जात रहे तो हम हो गए ना हम ससुराल के जाब तो अम्मा हमरे कहने भैया ससुराल के ना जाओ तुमरे बिहान बड़ा झगड़ा भरा है
नहीं जू माना सब लौंडे जाते रहे अपने अपने ससुराल हमहूँ पहुँच गए हमहूँ पहुँच गए सासु हमारे जस मिली तो हम कह चाची नमस्ते तो कहें भैया नमस्ते। पहले बुढ़ावा आते बैठे हाथ उठा कोई तो पूछ ले कोई अम्मा सासु को नहीं कहते रहे कोई अम्मा सासु को नहीं कहते रहे। अब जमाना बदल गया पहले बुआ और बोनी महतारी कहा जाते रहे अब तो फूफूक बुआ कहा जा लगा। तब भैया गए न तो हुआ हमरे यहाँ हम गए तो हम कहा चाची नमस्ते तो कहने भैया नमस्ते तो कहने भैया ऐसे करो तुम जो नी गली है वह है गली घूम जाओ उन सार तुम्हार जाने पर हैं तुमका मरी है पिटी है मारे डेरन केरे भाग्यान भाग्यान ससुराल गाँव किनारे बहरा या रही बिछा कर गौछा दिन भर सोएन वह है सोए न सांझ भाई फिर पहुँच गए न तब सास हमारे कहने भैया गए नहीं तुम का चाची का करे कोई सवारी नहीं मिली। जब हम कहा चाची सवारी नहीं मिली तो कहने भैया चलो तुम का कोठरी में बंद कह दे तो सास हमारे कोठरी में बंद कह दी से हम कोठरी में बैठ और बना घर में खाना घर भर खाए न गए बैठे बैठे हम टुकुर टुकुर देखे हम टुकुर टुकुर देखे मारे भूखे न मरे जाए और मसा खाए जाए कोठरी में कोई दिया हो नहीं कहे वाले दिन धुएं से लगा दो डेरुआयु नहीं कहे वाले सब खाना घर भर खाए न ऐसी हमारे सासु खटिया परी बगल में सारी खटिया परी तहके बगल मेहरंदो खटिया परी। हेलो विजय मालिक पैसा ला जा विजय मालिक भैया बगल में सराहज खटिया परी सार हमार रोटी खाए छत पर पहुड़ा जाए ससुर हमार खाक दुआरे पहुड़े और हमारे यहाँ जब सास पहुड़ी उनकी आँख गुला गुला के कवाए भैया डराओ ना घर तो मराया है भैया डराओ ना घर तो मराया है मार न कमार में लाता न गई में ठाड़ हम कहें जब यही कहते रहे मर यही पिटे यही कहते घर तो मराया है अब हम सास के मूड़े लंग ठाड़ तले हमार सारे कवा लागे जी जनी तले सास सारे कवा वो बंद नहीं कि इस मेहरंदो कवा लागे चलो भाग चले तले हमारे यहाँ सराहद कवा लगी जी जने हम हो अंधर कई आइडिया नहीं कहीं जी जने हम हो आना जी जने हम हो आना हम वो ठाड़े कवा लागे ना ठाड़े कवा लागे ना घर भरे का ठेका ले नाम घर भरे का ठेका ले नाम तले हमारे यहाँ सास फिर कवा लगी बुढ़ाओ पसेरी कहाँ बूढ़ा पसेरी कहाँ तले हमारे यहाँ ससुर दुआरे कवा लग बूढ़ा पसेरी ता खेमदारी बूढ़ा पसेरी ता खेमदारी
कभी किरणों से भी पानी नहीं है, चलो बढ़िया से पानी भर के लाया जाए। चलो चलो सखी, ए सखी देखो ना, आ रे सब कुआं दिखाए जा बने में। ये आप है हमारे मनी राम भाई साहब जवलिया निवासी डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी की तरफ से, ये 20 रुपए का सादा इनाम दर है। क्या बेटे वो काक तुम दही वो बेचते हो कि माठा? मैं हम कहते हैं माठा फेरा हो तो दिया हो यहाँ कमलिया वाले को। हो ससुर पनिया कैसे जाबू रसीले दोनों ने, ससुर पनिया कैसे जाबू रसीले दोनों ने। समय हो चुका है और महाराज का हक में किरण वासी पानी नहीं, चल पानी भरा जाए। हाँ क्यों नहीं बहन, ओ देखो सामने दिखा रहा बहन, अरे रुचि रुचि खाइला बड़ी Thank you.
ए सखी हम डर चुकी ना ए दीदी ने बढ़िया कायदे से ने बांधे रहा खूब लिखे से ठीक है खर्चा फिर भी मैं भी मरती हूँ चलो कोई बात नहीं ए अगर मेरे घर में पानी आ गया हम तुम लोगों के सारे घर में भर दूंगी चलो हाय दया मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा घैला इस कुएं में फंस गया है ऐसे कि तने तो जोर लगाए तो तुम हमारे घैला निकलिया हुआ हमी बा हाथ हाथ तो आई कुछ नहीं लगवाई बा अच्छा क्या के बाद बताई थी बुआ हमारी अगर तुम हो खबर है उत्तेज साथ थे मैं यहाँ कबू तुम्हारे अगर फंस गया हमारा जब तो जितना कहती हो जो तने का गुरु लगाई थी तो हम कहे के नहीं फिर यहाँ हमारा जब फंसा हम तुमते नहीं तुम्हारे नहीं वहाँ झारे बैठी अच्छा अति तो औकात है तो खाई चली गई औकात है अतने पोड़ तुम्हारी हयू नहीं फिर है हम का पतरी उतरी ना समझो चलो ऐसी तुम्हारे कैसे गरोज पटक आई सुनो तो तने तो जो लगाए जब है निकल रही है यहाँ मान जा ए भाई बांधे बांधे तो परिगा हुआ बहुत नहीं कितना लग जब छोटी का तैया कोई यहाँ कौन चौतैया काटी थी माँ फांदी बताओ कहाँ फांदी है हम नहीं फांदी पे भाई यहाँ यहाँ दे रहे हैं तो हमारा जो खबले हैं आज तो हमारे सबके नौबत खराब है अगर पानी ना लिखे जाए तो हमारा जो मरी है जरूर तुम्हारे सारे भोसड़ा चौदह हाँ भोसड़ा चौदह बताई थी मामा तो तुम मैं तुम्हें सीला बिंदी हम तो और मामा है ये चच्चू नहीं क्या खाओ हाँ ना हम का मामा कहो ना काका कहो ना दादा कहो ना बाबा कहो ना फोफा कहो ना मौसिया कहो हमार नाव लेके कहो का नाव है हमार नाव है जीजा मरी गया तो है ये बिटेवत का जीजा कहीं है हिया हिया जा बुआ हमरी चलो लड़ी लागो वो अगर फदैया और भैला तुम्हारा गिरा जीजा को फटा का हम जरूर कहब जीजा हम का ते समय ने हम का जा कहे तुमका बता दे हमरे या तुमका बता सुनो तो देखो हमारी में गैला गिरी गाय कुआं में है और निकाल दो सुनो तो अगर हमारे समाज बैठ का पता कहते का तुम नाव लेके कहो अरे सुनो तो अरे निकाल दो सुनो तो यहाँ परो जब छगड़ी लेके आई तो तुको समझ लिया भैया हमका छगड़ी हो बखड़ा ना ओ भैया भैया तो नहीं भाई छुट्टी यहाँ जी जगह का होएगा दीदी कह डारो कह डारो सुनता हूँ हम बड़ी हैं हमका जी जगह नहीं करें और तुम छोटी हो तुमका जी जगह नहीं कर लगत तुम्हारे हम चल रहे हैं बवाल यार क्या बात बताई थी कबू तुमरो घैला गिरी तो हम हो तुम जी जगह ए जीजा हाय दाता नवा पुरान भोसडार चाहे फोंक आज तक हमका कोई जीजे ए जीजा हां जीजा कह आई हमरे दीदी केर घैला गिरगा निखार दे बरिगा होए तौ जीजा कह दे ओ भाई हम फांदे परबा कहां मरी गे कुआं मा हाय बरिगा होए फांदे परो जीजा छु ओ भाई आ फांदे परबा हो देखले मरिगा जीजा कह हम कितना शौकीन नवा पुरान भोसडार के फूंक दे जीजा बुढ़ावा खटिया पार्टी पकड़ के ना वो टिपावते हुए आँखी ना खोलते हुए
और बिल्कुल ऊपर जाए वाला हो और सार याद जा जो आगे दा कह दे जीजा तो कहीं कौन है बेटिया ए चलो कोई बात नहीं मेरे खेला निकाल दो कहा मर गए हाँ पकड़े नहीं कहा यही बिठा हुआ तो सोदिया हुआ ना करे तुमने बता दी मरी गऊ कहा मर गए मरीगा वही नाव ले लील कर बहुत डरा है वह बता बिठा हुआ डरा जाती पहले नाव नहीं ले पाओ तो मरीगा कहा कहा का मर गया मार बुड्ढे का मर गए अच्छा मर गए रबता का मर गया नीचे रबता ऊपर तो सब पाने ने का मारो क्या हाँ ठीक बांधो का मर गए ना ले ली नहीं करो ना मर जी हो मर गए ए दीदी अब रुके की दादेदारी दहजार छोदे मरीगा ई मरीगा दी जीजा कहवेन चलई मरीगा दीदी नहीं कहे तब तक इनका निकाल रहे थोरो तो इससे जीजा कहवे से जब तक मरीगा दीदी कहे ना तब तक इनका निकाल रहे ने हां 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 मरीगा जाओ बस सही जो निकारब का मरीगे ए सखी सही हमारे चुकाती का निखार लीन जाए चलो आज तुम्हारे गिरा कल ही बरिगा हो हमारे गिर जाए और ये बरिगा ये फांदी नहीं यो मरिगा छगड़ी चला हुआ उत्ते है ये मरिगा यह है मिली बेरी बेरी हाँ चलो निकाल लीन जाए चलो चलो नहीं दोबारा फांदा पाने करी खात नहीं अब है पिटावा के हम नाच खेल दे रहे मरी की दीदी चटवाई दे रहे हैं तनु को ना खेत ते पूरा कर रहा है जान लो जान तनु साक ले लियो एक हजार छोटे ते खात नहीं रहे अगर हम का कुछ हो जाती है तो हमारे घर वाले तो का जन्म मारे करती क्या कहना है चलते डोड़ा से में से पानी भर के महाराज का हुक्म था कि बहन में जल्दी की जल्दी साथ आना है चाहिए अरे सुरती लगाओ बलिहारी तली कुनाते जुबान को लगाम रखो परिहारी नो ए पंडसी
मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ क्या बस खबरदार परिहारन सुनो रात को तुम्हारे प्यासन जीरा तड़पे और सुन परिहारन रात परिहारन तो मैं क्या करूं तुम्हारे प्यासन जीरा तड़पे और सुन परिहारन रात थोड़ा परिया दे तू पिलाई पानी पी आई थी ए सखी पता नहीं कहां मर गया मरे कहां पर्याप्त हो इनका को दरपाल ऐसी बातें मत करो दरपाल देखो ये औरतें हैं सुन ले हमारी बात को सुनो मेरी बात को बोलो पानी तो पानी बड़ी पौड़ी रखे थे मर गए थे जब तुम्हारे कैसी याद तुम्हारे कैसा मत रोज फोरी फोर चले जाए तो घोड़ा प्यासा हम भी प्यासे हर प्यासे बाबुल बोल प्यासे हर प्यासे बाबुल बोल थोड़ा पलिया देखते सुनो मेरी बात को कहीं दीदी बिठोनी रे तुम्हार तो बरिगा होता नहीं बड़ी रहा वह गजरा तुम्हारे नहीं फूटी हमार तुम्हार तो या कैदा मर से हपत अंदर कहीं थी हमार तो पुरान बिठा देख लो कितना बड़ा मरिगा भक्कल बना दिए थे सुन तो बिठोनी तोरी का छई फोट छोटी है दीदी हमारी बड़ी राय हमारी पौढ़ी बहुत राय तो बताए बताए दीदी तीन चार चक्कर उलर उलर मारी से नहीं फोरी पैसे चौथे चक्कर मारी से फूटी राय चलो कोई बात नहीं जितना फोरी से मरेगा मगर सुनो मेरी बात को परदेसी सत्य में जीने वाली भाई कि भाई